प्रार्थना की शक्ति, पावर ऑफ प्रेयर। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सेसकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, और परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल